हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जोन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क मोडिटोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपकी अगर फोटो लो क्वालिटी की है, चाहे फोटो एडिट करने के बाद फट जाती है या तो धुंधला होती है, तो उसको कैसे ठीक करना है एंड परफेक्ट रूप से अपनी फोटो को स्मूथनेस कैसे बनाना है और अपनी स्किन को विशेष रूप से स्मूथ कैसे करनी है। तो गाइस, आज मैं कुछ ऐसा आप लोगों को ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लो क्वालिटी की फ़ोटो को भी परफेक्ट क्वालिटी दे सकते हैं और आपकी स्किन फटी भी हो तो उसको स्मूथनेस दे सकते हैं। तो गाइस, आज का एडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड के होने वाली है। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, हमारी फ़ोटो में डार्क टोन देने के लिए सबसे पहले फ़ोटो की लाइट को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फोटो की हम लाइट एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, एक्सपोजर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -0.67 एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसे हम -10 रखते हैं एंड यहाँ से हाईलाइट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, हाईलाइट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -40 एंड यहाँ से वॉइड्स की वैल्यू को भी थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं -15 एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, ब्लैक की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -10 एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को करते हैं +14 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -14 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं -20 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो परफेक्ट रूप से गोरा लगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम +26 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100 एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं -31 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100 एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी यहाँ से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसे रखते हैं -40 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -31 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +50 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -14 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फ़ोटो है उसमें हल्का में डार्क टोन आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी फ़ोटो में परफेक्ट रूप से डार्क टोन देंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को कर देंगे हम +25 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फ़ोटो है उसमें थोड़ा और डार्कनेस है, ठीक है। तो इससे रखते हैं +10 एंड यहाँ से विनियट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, विनियट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को कर देंगे 0। तो गाइस, हमारी फ़ोटो में डार्क टोन आ चुकी है। अब क्या होगी,
तो आप लोग फोटो को जूम करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं हमारी जो फोटो की क्वालिटी है वो पूरी तरह लो हो चुकी है और जो हमारी स्किन है वो फट रही है। ठीक है, तो हम अपनी स्किन को सही करेंगे, परफेक्ट रूप से स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करना है चलिए हम आगे के स्टेप में सीखेंगे। तो गाइस पहले अपनी फोटो को हम सही साइज में लाते हैं इतना में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। एंड फेस को स्मूथ करने के लिए या तो फोटो को स्मूथ करने के लिए, चाहे फोटो फट रही है उसे ठीक करने के लिए, यहाँ से हम कुछ वैल्यू को यूज करेंगे, कुछ ऑप्शन की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को हम कर देंगे 20 एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर देंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, बढ़ा देंगे तो इसे रखते हैं 10 एंड यहाँ से कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे तो इसे रखते हैं 15 एंड यहाँ पर नीचे देखिए स्मूथनेस का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ से हम और बढ़ा देंगे तो इसे रखते हैं +80। तो इतना में जो आपकी फ़ोटो है फट भी रही होगी तो काफ़ी स्मूथ हो चुकी होगी। अगर आपकी फ़ोटो अब भी स्मूथ करने का जरूरी है तो यहाँ से स्मूथनेस की वैल्यू को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप लोग जूम करके दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं हमारी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बिफोर हमारी फ़ोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।